मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी का है, जहां आज सुबह अजगर दिखने से अफरा तफरी मच गई। क्षेत्रवासियों ने तत्काल सूचना वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ लिया। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत गैलाना की शिवपुरी कॉलोनी का है, जहां आज सुबह करीब 11 बजे 6 फीट का अजगर देख अफरा तफरी मच गई। क्षेत्रवासियों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम आधे घंटे के भीतर पहुंच गई और अजगर को अपने कब्जे में ले लिया। सुबह कल से बारिश होती रही, तो बारिश के दौरान ही कहीं से आया है और आने के बाद ये घर के सामने मेरा पेड़ है, पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ने के बाद ऊपर जाके बैठ गया। काफ़ी प्रयास किया, जब ये नहीं उतरा तो फिर हमने नंबर लिया वाइल्ड एनिमल्स लैब वालों का, तो यहाँ से फ़ोन किया और नहीं मिला। फिर मैंने जो 112 को कॉल किया, 112 पर कॉल करने के बाद PRB को बुलवाया। PRB के आने के बाद फिर मैंने PRB वालों ने आकर के टीम कितनी देर में पहुँची आपके घर? और उसके बाद में उनको कॉल किया गया तो उनकी टीम भी टाइम से आई जी। और आने के बाद में इसका काफ़ी अथक प्रयास के बाद रेस्क्यू करके पौधे से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे से छत पर चढ़ करके इसका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान उनको भी और हम लोगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, अब इसको पकड़ा गया लेकिन सुरक्षित है, पकड़ लिया गया है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? कोई नुकसान नहीं है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके दौरान ही अजगर घर के बगल वाले पेड़ पर मिला था। जब क्षेत्रवासियों की नजर अजगर पर पड़ी तो क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। क्षेत्रवासियों ने सूचना पहले शिव कुमार गौतम को दी, जिनकी छत पर अजगर पेड़ से चला गया था। फिर सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। वन विभाग की टीम लगभग 30 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक अजगर को अपने कब्जे में ले लिया। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया गया, बट टाइम पैसे हमारे पास आए थे तो हमने देख आए अजगर ही है, लेकिन हमें इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं। ये आपका वर्ल्ड लाइफ SOS। अच्छा, जैसे किसी को हेल्पलाइन नंबर आपका वर्ल्ड लाइफ SOS पे कॉल कर सकते हैं। तो वहीं अजगर की प्रजाति पाइथन मोलूरस बताई जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मेघा राघव की रिपोर्ट।